ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचे। कहां पहुंचे? जहां पर बलराम की सभा लगी थी। और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, सबने उठ करके बड़ा सम्मान किया, अपने आदर से ब्राह्मण को बलराम ने बिठा दिया। फिर एक बात पूछी, कहो ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोले, भैया तुम हमें जब बताओ, तुम लोगों में कर दिया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, बलराम ने भी इशारा कर दिया, वो सामने बैठे थे। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा, मन ही मन में एक बात सोची, आया मेरा तो देखो ना, जवाब पड़ती है कितना सुंदर है, हमारी समझ जनाया कि भला रुकमणी में देखा था, कैसे कारो कर उठा तो धरो। फिर सोची, हमें मतलब तू का है? अरे पत्र दे दे, आए सामने पहुंच गए, पूछ लिया कि नहीं आने, कहो ब्राह्मण दे कहां से आया? तो ब्राह्मण बोले, हे दया निधि, सुतई मालूम पड़ जाए। और जैसे ही कन्हैया ने पत्र खोल करके पढ़ा है, बात कही ब्राह्मण देव, इसमें तो किसी रुकमणी नाम की लड़की का नाम लिखा है, भाई इसमें ये भी लिखा है शिशुपाल बरात लेके आया है, तो माफ करना, रुकमणी से जाके कह दो कि वो शिशुपाल के साथ शादी कर ले, हम तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। ब्राह्मण बोले, श्याम कहिए, तुम अगर नहीं गए तो वो लड़की मर जाएगी। तो फिर हम क्या करें भाई? अरे मर जाएगी।